हमारा पैसा हमारे को वापस दिलवा दो। ये मेरे बुढ़ापा का सारा है, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। सोनदास है और मैं मोरवानी रहता हूँ। मेरे पास थोड़ी यह जमीन थी, वो हमने यह बेच दी, तो थोड़े पैसे में मकान यह पक्का बनवाया। बाकी के पैसे लेके मैं बैंक में गया और बैंक में से भोरा साहब वहाँ लोकर में रखवाए और लोकर में रख के लोकर के यह चाबी हमारे बच्चे को दे दी और 7,50,000 रुपया। और भोरा साहब और मनोज सोने ने वो लोकल में पैसे रखवाए और कहा कि ये आपके थोड़ी थोड़ी एफडी करा देंगे। ये 7,50,000 रुपये मैंने बैंक में भोरा साहब और मनोज सोने को नगद में दिए। ये पैसे लोकल में बड़े थे और भोरा साहब और मनोज सोने ने कहा कि ये पैसे जमा करा दो तुम्हारे बच्चों के नाम से। 5-7 महीना बाद में मनोज जी सोनी आया और ये तुम्हारे एफडी है। और उसके बाद 2-3 महीना बाद में बम्बई से फोन आने लगे कि और पैसे जमा कराओ। तभी वकील साहब ने कहा कि ये एफडी नहीं है, ये आपके बीमा है, हर साल 7,50,000 रुपया हर साल ये जमा कराना। हमारी उम्र 70 साल रहेगी है और हमारे घरवाले 65 साल की उम्र है, हम मजदूरी नहीं कर सकते हैं। मामूली हमारे जमीन है, एक हकी जमीन वे बनी हमारो घर गुजारो, हजारे देवा खेती और आधा दाना देवे और हमारो घर गुजारो करा। और हमारे के दवाया बीमारी है, घरवाली के शुगर की बीमारी है, मेरे भी मस की और फेफड़ों की बीमारी है। हमारे 5-7,000 रुपया हर महीने दवाई रसावे, इतना पैसा मैं नहीं जमा करा सका। हमारा पैसा हमारे को वापस दिलवा दो। ये मेरे बुढ़ापा का सहारा है, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा, मेरे कैसे हम घर का गुजारा चलावे। हमारा पैसा आप मेहरबानी करके वापस दिलाओ, मेरे को माफ कर दो, मैं गरीब आदमी हूँ।